यहाँ पर अब्दुल है, इस सवाल में किरदार अब्दुल है, जयपुर उसकी पत्नी है, और शंकर जो कि एक जेल से भागा हुआ कैदी, और वो जो है तो जेल तोड़कर जब भाग कर आता है तो सबसे पहले उसे अपने दोस्त अब्दुल पर भरोसा होता है। वो जो एक रात जेल तोड़कर आता है और फिर जो है तो अब्दुल के घर जाता है, और अब्दुल भी उसे ये नहीं कहता कि भाई तू मेरे घर क्यों आया, मुझे क्यों इस मुसीबत में डाल रहा है, ये ना कहते हुए जो तो अब्दुल उसका साथ देता है और कहता है कि तू बिंदास है, तूने मुझ पर भरोसा किया तो मैं तेरा जो है तो विश्वासघात होने नहीं दूंगा, यानी तेरे से धोखा या कोई चीज नहीं हुई, तू बिंदास मेरे घर पर है, कितने दिन चाहे रह सकता है। लेकिन फिर भी जो है तो शंकर कहता है कि पन भाभी, यानी तेरी पत्नी, तेरी बीवी वो क्या सोचेंगी, वो क्या कहेंगी। फिर अब्दुल उसे तसल्ली देता है कि तू उसकी फिक्र मत कर, उसे जो कहना है वो मैं कहूंगा, तू सिर्फ बिंदास रहे, तेरा जो काम है वो काम कर, मैं तुझे पूरा पूरा साथ दूंगा। अब इस तरह जो है तो अब्दुल के घर शंकर रहने लगता है, इस सबक में बताया गया है, अब्दुल के घर शंकर रहने लगता है, कई दिनों तक वो रहता है, कुछ दिनों तक, और शंकर की देखभाल जो है अब्दुल बहुत ईमानदारी से करता है, किसी को कानून खबर भी नहीं होती। वो अपनी बीवी को भी समझा देता है अब्दुल कि देख अपने यहाँ पर एक मेहमान आया हुआ है, क्रांतिकारक है, अपने देश के लिए उसने अपने बाल बच्चे बीवी अपने घरदार छोड़कर अंग्रेजों के खिलाफ मुहिम शुरू कर दी है और वो अपने देश को आज़ादी दिलाना चाहता है, तो उसे अपने घर में हम आसरा देंगे, तो अब तू तेरे घर दिन भर का जो काम है वो काम निपटा कर, जो अपने खाने का वक्त है तो अपन जो खाना खाते हैं उसे उसी के रूम में देते जा, उसे बाहर मत आने दे, उसे जो जरूरत है उसे उसके रूम में देते जा खाना, और अगर तुझे कहीं बाहर जाना होता है या अपना बाहर जाना है तो तू घर को कुलूप लगा कर जा, लेकिन बाहर तक चौथे व्यक्ति को किसी दूसरे व्यक्ति को जो है तो घर में आने पर, ताकि किसी को खबर ना मिले, क्योंकि हम ऐसे ऐसा काम कर रहे हैं देश को बचाने के लिए, अंग्रेजों की गुलामी से आजाद करवाने के लिए, कि अगर किसी को खबर हो गई और किसी ने पुलिस को शंकर का नाम बता दिया तो शंकर के साथ साथ हम भी जो है तो परेशानी में मुसीबत में आ जाएंगे। तो अब्दुल की बीवी भी बहुत जैबुन, उसका नाम है जैबुन होता है इस किरदार में, जैबुन नाम है उसका, वो भी बहुत उसका साथ देती है हिम्मत से अपने शोहर का, अपने पति का, और वो कहती है ठीक है आप बिंदास रहिए, मैं भी जो है तो अपनी सहेलियों के यहाँ पर चले जाऊंगी, घर को ताला लगा दूंगी। लेकिन जब बाहर हो जाती है ताला लगाकर और कुछ दिनों तक जो है तो जयपुर भी खाना वगैरह वक्त पर शंकर को उसके रूप में ही देती है, और इस तरीके से देती है कि वो बिल्कुल थोड़ा सा दरवाजा खोलकर जितनी देर जितनी जगह प्लेट देने के लिए लगती है उतनी जगह से वो प्लेट देकर लेकर जो है तो अपना काम करती है, यानी उसने शंकर की शक्ल भी नहीं देखी थी, वो भी इतनी ईमानदार। और फिर कुछ वक्त में उसका काम निपटने के बाद जो जब वो बाहर जाती थी तो घर को कुलूप लगा के जाती थी, अपनी सहेलियों के यहाँ बैठ कर बातें चीतें करती थी, लेकिन जब कोई पुलिस वाला उसे दिखता था, कोई नजर आता था पुलिस वाला, तो वो घबरा जाती थी और अपनी बच्ची को जो है तो अपने सीने से लगाकर साथ ली थी, घबराने और यानी वो हिम्मत एक हिम्मत के तौर पर अपनी बच्ची से निपट जाती है। लेकिन पुलिस को जो डर सकती है, पुलिस ने भी शंकर के ऊपर, अंग्रेज सरकार ने भी जो है तो शंकर के ऊपर शंकर को पकड़वाने के लिए इनाम रखा था, शंकर को पकड़ने के लिए इनाम रखा था। तो ये चीज यहाँ पर अब कुछ दिन यूं ही चलता रहा, फिर शंकर जो है तो ये सोचता है कि अब मुझे एक ही जगह पर जो इतने दिन रहना ये भी मुनासिब नहीं है, ठीक है जयपुर और अब्दुल ये मानता है, लेकिन अगर कोई तीसरे ने चौथे ने अगर मुझे देख लिया या कुछ किसी को शक हुआ और किसी ने उनका नाम बता दिया तो मेरे साथ साथ जो है तो अब्दुल और जयपुर भी जेल में चले जाएंगे। तो ये सोचकर शंकर जो है तो कुछ दिनों तक वहाँ पर रहता है, फिर कुछ दिनों के बाद वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, और फिर एक दिन अब्दुल को बुलाता है, अब्दुल से कहता है कि भाई अब्दुल मैं तेरा एहसान मरते दर तक नहीं भूलूंगा, तूने और भाभी ने जो मेरी खिदमत की है, अपने घर में जो मुझे सहारा दिया आसरा दिया, ये मैं मरते दम तक कभी नहीं भूलूंगा। तो जब शंकर उनके घर से जाता है, जाने लगता है तो दोनों की आंखों में आंसू आ जाते हैं, लेकिन फिर भी जो है तो शंकर अपने
चाल वगैरह उड़ावा रहता है जाते वक्त भी, और जो जयपुर है उसे देखती रहती है, पीछे से वो देखती है, उसने उसकी शक्ल नजर ले आती है। और फिर एक दिन जो है तो शंकर की ऐसे क्रांतिकारक लोगों की जो है तो मेहनत रंग लाती है, और आखिरकार 15 अगस्त 1947 को हमारे देश को आज़ादी मिलती है अंग्रेजों की गुलामी से, और हमारा देश जो है तो आज़ाद होता है। और फिर उस वक्त में जो जो क्रांतिकारक बच जाते हैं अंग्रेजों की चपेट से, तो वो एक प्रोग्राम रखते हैं, और जब एक प्रोग्राम में रखते हैं कि सब क्रांतिकारियों का स्वागत होता है, सत्कार होता है, तो वो सत्कार में बहुत खुशी खुशी जयपुर और अब्दुल भी जाते हैं। फिर अब्दुल कहता है व्यासपीठ और यानी व्यासपीठ पर जो स्टेज पर मंच पर जो लोग बैठे हुए थे, जो क्रांतिकारक बैठे हुए थे शंकर जैसे, तो उनका स्वागत होता है, सत्कार होता है। फिर वो पब्लिक में से अब्दुल और जयपुर, अब्दुल अपनी पत्नी जयपुर से कहता है कि जयपुर इनमें से इन क्रांतिकारियों में से पहचान कि शंकर कौन है, जो अपने यहाँ रुका था, अपने घर पर रुका था, हमने उसे आश्रय दिया था। तो जो है अब्दुल की बीवी जयपुर उन क्रांतिकारियों में देखती रह जाती है, और उससे फिर शंकर को पहचान नहीं पाती, क्योंकि वो शंकर को देख नहीं पाती, लेकिन शंकर की हिम्मत उसने बखूबी अंजाम दी और उसे वो शंकर को पहचानती नहीं। बस इतने ही कहानी में, इस सबक में ऐसी कहानी दी हुई। तो प्यारे बच्चों, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको आज का हमारे पाठ नंबर 9 भूमिगत ये समझ आ गया होगा, इसकी स्टोरी कहानी क्या है। हाँ, भूल वत्नी का जज्बा, देशभक्ति, देश प्रेमी, हाँ ये क्या है, तभी आपको समझ में आ गया। मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आप भी अपने अंदर अपने देश के लिए ऐसे जज्बात रखिए। हाँ, चाहे इंसान कोई भी हो, कोई भी समाज का हो, लेकिन वो हमारे हिंदुस्तान का है, हमारे भारत देश का है, तो हमें उस पर फख्र होना चाहिए, और हमें उसकी किसी भी तरह के हमसे जो मुमकिन है वो मदद करनी चाहिए। यहीं पर हमें इस पाठ से यही बात को सीखने को मिलता है। तो पहले बच्चों, मैं आपसे उम्मीद करता हूँ कि आपको पाठ नंबर 9 समझ आ गया।